एक हाथ में कैमरा है, एक हाथ से बना रहे हैं, कटेगा कहीं तो हमको नहीं भूलिएगा, नहीं कटेगा पक्का, पूरा हो गया, पूरा क्लीन हो गया एकदम अच्छा से हो गया। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो बड़ों को सादर प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो देखिए ये मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे दोनों जा चुके हैं स्कूल और अब यहाँ पे हम खाना बनाने का तैयारी कर रहे हैं। तो साग लाए थे कल हटिया से, तो वही काट रहे हैं और इसमें साग में इस बार चना और खेसारी का साग मिला हुआ है। तो पहली बार खेसारी का साग हम बना रहे हैं, हालाँकि खाने में तो काफ़ी स्वादिष्ट लगता है लेकिन हम खाते नहीं थे। इस बार हल्का सा इसमें मिक्स है तो उसको बना ही लेंगे। तो देखिए बाहर धूप में बैठ के काट रहे हैं चना का साग और खेसारी का, और बगल में दो मोबाइल भी मेरा रखा हुआ है जिससे कि हम प्रीमियर कर रहे हैं। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम हल्का सा सब्जी भी बनाए हैं, आलू का ग्रेवी वाला, टमाटर डाल के, धनिया पत्ता डाल के, और कुछ भी उसमें गोभी वगैरह नहीं डाले हैं। और यहाँ पे मेरा साग पक गया है और साग में ही लहसुन का कली हम डाल दिए थे और अभी गर्म है तो इसको पीस लेते हैं गर्म गर्म ना, अच्छा से, मतलब जब ये पीसता है ना तो काफ़ी महीन हो जाता है। बना रहे हैं साग चावल और सब्जी, दाल नहीं बनाए हैं, बोलिएगा नहीं बाद में, क्योंकि बोलेंगे ठीक है बना लो, ठीक है भाई, क्योंकि हमको टेंशन हो जाता है ना फटे से बोलते हैं तो। ठीक है, आज दाल नहीं बनाए हैं, ठीक है आजकल लेकिन बहुत बात मानने लगे हैं। क्या बात है आजकल, बोले क्या आजकल मेरा बहुत बात मानने लगे हैं, क्या बात है? बात तो बराबर ही मानते हैं, कभी लगता है कभी नहीं लगता है, नहीं देखते हैं खाना में, मतलब कुछ भी बना देते हैं तो खा लेते हैं, बोलते हैं ठीक है बना लो, नहीं तो पहले नहीं ये मत बना वो मत बना बोलते थे, इसलिए तो अभी वो बोलते हैं कभी मन ठीक रहता है तो नहीं लेती है उसको दिल। ऑफिस जा रहे थे ना, जाइए जल्दी से आइएगा फिर खाना खाएंगे सब मिलकर ना, बोले फिर जाएंगे आके यहाँ बैठ गए मोबाइल में, टाइम पे रहिएगा घर में तब चावल चढ़ाएंगे, फिर बच्चा लोग भी आ जाएगा सब साथ में खा लेते हैं, बर्तन वर्तन धोने में अच्छा होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सब्जी बन गया है मेरा और साग भी बन गया है, जो भी बनाना था खाना बन चुका है, चावल चढ़ा दिए क्योंकि अब बच्चे लोग भी आ जाएंगे, कुछ देर पहले ही चावल चढ़ा दिए, साग बन गया और मेरा यहाँ पे साग रोटी खाने का मन किया, नाश्ता नहीं किए थे तो एक दो तो रोटी ले लिए हैं, साग ले लिए हैं, बैठ के नाश्ता करेंगे। और देखिए बच्चे लोग अब स्कूल से आ गए हैं और आँचल से ना क्या हुआ, परफ्यूम का, परफ्यूम नहीं वो रूम फ्रेशनर होता है ना वो वाला डब्बा, मतलब बोतल फूट गया है और वही बेचारी उठा रही है स्कूल से आने के बाद ही ये घटना हो गया, उठा रही है, अयांश मेरे पास बैठा हुआ है और देखिए हम अपने लिए बाहर ले लिए खाना, बाहर बैठ के खाएँगे और अयांश यहाँ पर खा रहा है खाना, और आँचल के लिए भी निकाल के रख दिए पर वो चली गई स्नान के लिए, सुबह स्नान करके नहीं जाती है तो आती है तब नहाती है, और उसके बाद आँचल तो आ गई है, आँचल खा रही है और अयांश खा के अब बाथरूम में आ गया है, बारी बारी से दोनों स्नान करेगा और ये स्नान करेगा, इसका कपड़ा खोल देते हैं, ये खुद से ही स्नान करेगा, हमको बोलता है नहीं मम्मा तुम छोड़ दो अपने से नहा लेंगे, और कपड़ा भी नहीं खोलना चाह रहा है, देखिए कितना शर्माता है अभी का बच्चा। देखिए अयांश आ गया है स्नान करके, स्नान करके आते ही मतलब जाने के पहले ही ये बोल देता है कि मम्मा हीटर जला के रखना, क्योंकि नहाने के बाद ही ठंड लगता है, नहाते समय तो कुछ ठंड लगता ही नहीं है क्योंकि पानी होता है गर्म, तो नहाने में तो खैर अच्छा ही लगता है और उसके बाद लगता है ठंड, तो ये हीटर जला के ही जाता है, अगर हम नहीं जलाते तो खुद से ही जला के जाता है। पता है बच्चे दोनों ना स्नान करना नहीं चाहते हैं सवेरे, अगर सवेरे स्नान कर लेना तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, मूड भी फ्रेश रहता है, स्कूल पढ़ाई में भी मन लगेगा, लेकिन पता नहीं क्यों सवेरे तो नहाना ही नहीं चाहते दोनों में से कोई, बच्चे नहीं नहाते हैं बस स्कूल से आने के बाद भी, वो भी डेली नहीं नहाते हैं ठंड के मौसम में, गर्मी में तो नहा भी लेते हैं डेली पर ठंड में डेली नहीं नहा रहा है बच्चा, और आँचल को तो खैर चल जाता है लेकिन अयांश को हम भी नहीं बोलते हैं डेली नहाने, अभी इतना ज़्यादा ठंड पड़ रहा है क्योंकि इसको निमोनिया का प्रॉब्लम है ना, तो हम काफ़ी डर जाते हैं, ये ज़रा भी ज़्यादा नहा लेगा या भीग जाएगा ना तो इसको फिर से सर्दी खांसी स्टार्ट हो जाता है, तो इसके लिए तो हमको थोड़ा परहेज करना ही पड़ता है, क्या करेंगे बच्चा थोड़ा सा अंदर से वीक है। और यहाँ पे देखिए आँचल के पापा आ गए हैं घर और कुछ राशन पानी लाना था तो ले आए हैं, ये अभी तुरंत लाए हैं, पतंजलि गए थे साबुन वगैरह लाना था तो अचार भी ले आए हैं, अचार ये लाते नहीं थे कभी रेडीमेड, पता नहीं क्या हुआ इनको मन कर गया होगा लेने का, मिक्स अचार है तो इसमें सभी चीज़ मिक्स है, लहसुन है, आम है, आंवला है और क्या क्या है पता नहीं,
तो खाना खाने ये बैठे हैं तो बोले अचार दे दो, थोड़ा सा मन कर रहा है खाने का, और आज तो दाल बनाए नहीं है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब दाल नहीं बनाए, ऐसे सब्जी चावल बनाते थे ना सोयाबीन सब डाल के, तो वो तो खैर उनको बहुत पसंद है, लेकिन साग बनाए हैं और दाल नहीं बनाए, तो खैर खा रहे हैं। और ये देखिए अब रात का टाइम है, और अयांश शाम में खेल रहा था 5-7 बजे करीब, और उस वक्त हम रेस्ट करते हैं दिन भर का सारा काम करके, जब थकान होता है तो थोड़ा रेस्ट करते हैं 4 से 5, और उसी बीच में ये खेल रहा था। देखिए गिर के क्या किया, छत पे इतना तेज़ दौड़ा था अपने दोस्त को पकड़ने के लिए कि ये गिर गया है धड़ाम से, और इसका पैंट भी फट गया है और पैर भी पूरा छिला गया है, और डर से ये अंदर नहीं आ रहा था, डर से अंदर ही नहीं आ रहा था। जब देखे तो बोला कि मम्मा हमको डर लग रहा था कि तुम डांटोगी। बोले अब डांट के क्या करना, तुम लोग समझते नहीं हो, अच्छे मतलब इतना तेज़ दौड़ता है खेलता है छत पे। और ये देखिए आंचल के पापा क्या लाए हैं, मतलब जो बताए थे ना पिछले ब्लॉग में कि चूहा सारा पैंट काट दिया है, शर्ट काट दिया है, पता नहीं क्या हुआ, सारा का सारा बहुत सारा काट दिया शर्ट पैंट, तो ये सब पैंट अभी ज़्यादा ख़राब हुआ नहीं था, तो यह क्या किया ना हाफ पैंट बनवा लिए हैं, वही दिखा रहे थे कि देखो बनवा लिए हैं घर में पहनेंगे कभी कभार। और ये देखिए दर्जी दे दिया है ये कपड़ा जो बचा हुआ था ना, तो ये दे दिया है, बोला कि अंकल जी ले जाइए घर, घर में काम आएगा। ये बोले आ तुम तो बड़े मतलब पारिवारिक टाइप से सोचते हो, घर में काम आएगा, इसका कटा हुआ कपड़ा भी दे दिए। तो खैर हम लोग लेडीज सबको तो खैर छोटा छोटा कपड़ा भी बहुत सारा काम में आ जाता है, हमको अच्छा ही लगा कपड़ा वो दे दिया। तो दोनों बच्चे का नाटक देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, अच्छा अरियांश दोनों पापा का पैंट पहन पहन के यहाँ पे खेल रहा था, नाच रहा था। देख रही थी तो अयांश का जिद है कि हम भी वही करेंगे, क्योंकि पढ़ाई में तो ये लोग को होड़ लगता नहीं है, बस बदमाशी करने में ही होड़ लगता है, तो ये भी पहन के नाटक कर रहा है जबकि पढ़ाई का टाइम हो रहा है, कब से बोल रहे इसको पढ़ने बैठो, लेकिन वो तो कर नहीं रहा है और दूसरा काम करना स्टार्ट कर दिया, और ये लोग का एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है। और अब देखिए फ्रेंड्स ये रात के करीब 9 बज गए हैं, और हम खाना पीना बना के आए थे दोनों बच्चे को बोलने के लिए, और इसके पापा पीछे वाले रूम में चलो खाना खाने, तो देखते हैं दोनों महलम पट्टी का यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, आंचल लगा रही है इसको, और ये लोग को ना थोड़ा सा ये सब करना अच्छा लगता है, इसलिए कि मतलब भाई का केयर कर रहे हैं, बाबू कुछ नहीं होगा ऐसे वैसे करके ये सब बोलती है उसको और करती है, तो महलम पट्टी लगा रही है और उससे बहाने ही बहाने पूछ रही है कैसे गिरा। और पता है फ्रेंड्स अयांश को कुछ भी थोड़ा भी होता है ना, कहीं भी छिलाता है ब्लड वगैरह देखता है तो उसको काफ़ी डर लग जाता है, लेकिन क्या हुआ ना कि मतलब ये बोलने आया कि मम्मा हम नहीं रोए, क्योंकि मेरा दोस्त विराट था वहाँ पे, अगर वो हमको रोते देख लेता ना तो बोलता कि अयांश तो रो रहा है और हंसता, मेरा मजाक उड़ाता, मम्मा हम इसीलिए नहीं रोए, तो बच्चे में ये सब हो रहता है थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स बस आज का वीडियो यहीं पे दी एंड करेंगे, और अगर आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स जो भी हमारा वीडियो ये फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक पे, तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आगे के आने वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।